वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। चैतसरी महला चौथा, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर हर सिमरो अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उर थारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मद सूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मिलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुख दाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मिलो, गुरु नानक नाम सुख होई राम। हर हर नाम सदा सुख दाता, हर कै रंग मेरा मन राता।
हर हर महापुरख गुर मिलो। गुर नानक नाम सुख होई राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी सत्संग जीओ, आप जी वड्डे भागां वाले हो कि आप जी ने अज दे जो पावन मुखवाक अमृत वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी दे दर सचखंड श्री दरबार साहिब तो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सोने सिंघासन ते सुभायमान हो के जो अमृतमई बचना दी दात समुची कायनात समुचे संसार नू बख्शिश कीती सी। सो आपां समूह साध संगत ने बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल इन्हां पावन बचना नू सरवण कीता है जी। सो आओ साध संगत जो इन्हां पावन बचना दी विचार नाल सांझ करिए अते अपनी मन बिरतियां नू एकागर करके धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणा कमलों का ओट आसरा लईए। गुरु पातशाह जी कृपा करन साडे हिरदियां ते भी अपनी अमृतमई बाणी नू टिका देन ताँ कि जिहड़े साडा मन हर वेले व्याकुल बेचैन रहिंदा है गुरु की कृपा दे नाल ए मन टिक जावे ते परमात्मा दे चरणा नाल जुड़ जावे ते जिहड़ा साडा जीवन है ये जीवन धन हो जाएगा, जीवन साडा सफल हो जाएगा। सो आओ सतसंग जो सारे ही एक बारी रसना नू करिए पवित्र सुरतमई हाजरियां लवाइए ते आखिए जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जैत श्री महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो सतसंग जो राग जैत श्री दे विच धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज अपने मुखारबिंद तो इस पावन मुखवाक नू उचारण करदिया होया समझावना करदे हन कलयुगी जीवां नू घर दूजा भाव दूसरे घर दे विच गाउण दी इदादत कीती गई है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उस मालक उस परमात्मा दी संखेप दे विच गुरु पातशाह ने मूल मंत्र उचारण कीता है। संखेप दे विच मंगला उचारण करदिया होया गुरु पातशाह जी उस परमात्मा दी लीला उस मालक दी वडियाई करदिया होया समझावना कर रहे हन। ओ मालक ओ परमात्मा एक है ते ओ सतगुर दी कृपा दे नाल उस मालक दी प्राप्ति कीती जा सकती है। सो सतसंग जो अज दे ए पावन बचन सतगुर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 698 ते सुभायमान हन। हर हर सिमरो अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। सतगुर पातशाह जी फरमान करदन हे भाई, उस अपहुंच अते बेअंत परमात्मा दा नाम सिमरिया करो जिस नूं सिमरिया असां जीवां दा हरेक दुख दूर हो सकदा है ते जिन्हां ने उस मालक परमात्मा दे चरणा कमलां दा ओट आसरा लै के परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा लिया है, जिन्हां ने परमात्मा नूं सिमरन कीता है परमात्मा दे नाम दा, गुरु पातशाह प्रमाण करदे ने भाई
उन्हां दा सारा दुख दूर हो जांदा है। गुरु उन्हां ते कृपा करदा है। वह बेअंत परवदगार अपार अपहुंच जिहड़ा साडियां इंद्रियां तों बहुत परे है, जिहड़ा साडी इंद्रियां तिकर नहीं पहुँच सकदा, लेकिन गुरु पातशाह जी जे कृपा कर देण ते साडे हिरदे विच परमात्मा दा नाम वस सकदा है। लेकिन उस दे लई सतगुरु दी कृपा लैणी पवेगी। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। इत्थे पातशाह जी प्रमाण करदे ने जिस नूं सिमरिया असां जीवां दा हरेक दुख दूर हो सकदा है। हे हरी, हे प्रभु, सानू गुरु महापुरख मिला दे। जिस गुरु मिले सानू आत्मक आनंद प्राप्त हो जावे, ओ पार ब्रह्म गुरु दी कृपा दे नाल मिल सकदा है। ते सतगुरु गुरु रामदास महाराज उस परमात्मा दे चरणा विच ये अरदास बेनती करदे ने, मेरे मालक कृपा कर, हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। गुरु की कृपा दे नाल ही परमात्मा नाल मिलाप किया जा सकता है ते जीव सारिया सुखां नू भोग सकता है, आनंद माण सकता है, भावें वह शरीरक होवन ते भावें वह आत्मक आनंद होवे। वह ताइयों हो सकते हैं जदों गुरु कृपा करे, गुरु मेहर की नज़र करे। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो और तारे। इत्थे सतगुरु पातशाह जी फरमान करदे ने हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो और तारे। हे मेरे मित्र, परमात्मा दी सिफत सलाह दे गीत गाया कर। जिन्हां ने परमात्मा दी सिफत सलाह दे गीत गाए हन, परमात्मा दा नाम अपने हिरदे विच जिन्हां ने टिका लिया, गुरु पातशाह प्रमाण करदे ने भाई उन्हां दा जिहड़ा आत्मक जीवन है वह जीवन धन ते धनता दे योग मन्निया जांदा है। जिन्हां ने अपने हिरदे विच उस परमात्मा दी सिफत सलाह दे आत्मक जीवन देण वाले बोल मन लए हन ते जिन्हां ने परमात्मा दी कृपा दे नाल परमात्मा दा नाम सिमरन कीता है, उन्हां दे अंदर परमात्मा आप विराजदा है। सो गुरु पातशाह जी ये सानू समझा रहे हन, हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। पातशाह जी बे बड़े अनमोल बचन, हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। परमात्मा दे जिन्हां ने बोलां नूं हिरदे विच टिकाया है, परमात्मा दी सिफत सलाह दे आत्मक जीवन देण वाले बोल जिन्हां जीवां ने सरवण इन्हां कन्नां नाल कीते हन, सो गुरु पातशाह जी भी ये सानू समझा रहे ने भाई उस मालक दे वडियाई दे गीत इन्हां कन्नां नाल सुनिया कर। हे मेरे मित्रो, गुरु दी सरण पए, जे गुरु मिले तां परमात्मा हिरदे विच प्रगट हो जांदा है। जदों मिलाप साडा गुरबाणी नाल हो जावे, जदों मिलाप साडा शब्द नाल हो जावे, क्योंकि पातशाह जी दे बड़े सुंदर वचन हन, कलयुग में है कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपी है लाए ध्याना। जदों परमात्मा दे गुण गायन करांगे, परमात्मा दी सिफत सलाह दे गीत गावांगे, परमात्मा दी भजन बंदगी कीर्तन नाल जुड़ांगे, साडे कन्नां विच अमृतमई परमात्मा दे नाम
ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਧਸੂਦਨ ਹਰ ਮਾਧੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ। ਮਾਧਸੂਦਨ ਹਰ ਮਾਧੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਤ ਵਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੇ ਹਰੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਨਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਗਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਅਤੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ
मेरा मन राता जिन्हां दा मन हरी प्रभु परमात्मा दे नाम दे विच रंगिया गया है फिर उस रंगे हुए मन उत्ते होर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। इस करके असी गुरु की शरण लैनी है, गुरु का ओट आसना तकना है ताकि गुरु पातशाह जी साडे ते मेहर करन, साडे ते बख्शिश करन, सानू अपने नाम नाल जोड़ देन, साडी प्रीति अपने नाम नाल बना लैन। हर हर महापुरख गुर मिलो, गुरु नानक नाम सुख होई राम। इत्थे पातशाह फरमान कर दिन हर हर महापुरख गुर मिलो, उस परमात्मा दे चरणा दा ओट आसरा तकदे हां। गुरु रामदास महाराज अरदास ते बेनती करदे होए सानू समझा रहे ने, भाई उस मालक दे चरणा दा ओट आसरा तको, ओ मालक किरपा करे ते सानू पूरे गुरु नाल मिला दवे ते साडे मन विच सुख ही सुख प्रगट हो जावन, सानू आत्मक आनंद दी प्राप्ति हो जावे। हर हर महा पुरख गुर मेलो, गुर नानक नाम सुख होई राम। भाई असी उस मालक उस परमात्मा दे गुणा दा बख्यान करना है, उस मालक दे गुण गाउने हन जिस मालक दी वडियाई कीती आ ते लोक अते परलोक दे सुख प्राप्त हो सकदे हन। ये जिहड़ा जीवन है ये सफल हो सकदा है, ये सफल ताईं होवेगा जदों असी गुरु दे चरणा विच आ के नित प्रता साध संगत कमावांगे, साध संगत विच बैठांगे, साध संगत विच बह के गुरु दे नाम दी वडियाई सरवण करांगे, ताईं साडा ये लोक भी ते परलोक भी सोले हो सकदे हन। साध संगत जो विचारां करदियां बेअंत भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगियां, गुरु अते गुरु दी संगत बख्शण योग है। बुलाइए फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।